इस हरा दानव का नाम श्रेक है, जो सुबह उठते ही गंदी नाली के कीचड़ से नहाता है और कुल्ला करता है, फिर पता नहीं किस कीड़े से ब्रश भी करता है। ये जंगल में अकेले ही रहता है, लेकिन तभी राज्य में घोषणा होती है भेष बदलने वालों को राजा द्वारा अच्छे दामों में खरीदा जा रहा है, और ये सब श्रेक को पकड़कर उसे राजा को बेचने की योजना बनाते हैं। फिर ये सभी लोग रात में मशाल लेकर उसके घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन श्रेक इन्हें आते देख लेता है और पीछे से जाकर सभी लोगों को डरा कर भगा देता है। पर भले ही वो एक दानव था, लेकिन आज तक किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया था। इन लोगों के जाने के बाद श्रेक को वही पर्चा मिलता है जिसमें वही बात लिखी हुई थी कि चमत्कारी शक्तियाँ रखने वाले इंसानों और जानवरों को खरीदा जा रहा है और सिपाहियों द्वारा कैद किया जा रहा है। तभी यहाँ इस गधे की मालकिन सिपाहियों को बताती है कि ये गधा बोल सकता है, लेकिन ये गधा कैदी नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो इनके सामने कुछ नहीं बोलता। तभी इस लड़के की एक जादुई चीज गधे के सर पर जा टकराती है, जिससे गधा हवा में उड़ने लगता है। गधा सिपाहियों को चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ मैं बोल सकता हूँ गधों और उड़ भी सकता हूँ। लेकिन तभी जादू का असर खत्म हो जाता है और गधा नीचे गिर जाता है। सिपाही उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन गधा उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। ये गधा राजा के सिपाहियों से भागते हुए श्रेक से जा टकराता है और उसके पीछे छिप जाता है। सिपाही गधे को पकड़कर राजा के पास ले जाने लगते हैं, लेकिन श्रेक सिपाहियों को भगाकर गधे को बचा लेता है। गधा श्रेक के साथ सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए वो खुद को उसे अपने साथ रखने के लिए कहता है, लेकिन श्रेक उसे समझाता है कि उसे अकेले रहना ही पसंद है। लेकिन नौटंकी बाज गधा श्रेक का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और रात भर उसके घर के बाहर अपनी बातों से श्रेक को पकाने लगता है। अगर तभी श्रेक के घर में बहुत सारे लोग आने लगते हैं, जो उसे बताते हैं कि वो फेरीटेल के लोग हैं। राजा ने उन्हें उनके घर से निकाल दिया है। अगले दिन श्रेक राजा के महल पहुंच जाता है, जहां राजा घोषणा कर रहा था कि राजकुमारी को ड्रैगन से सुरक्षित बचाकर लाने वाले को एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। श्रेक को देखकर सभी लोग डरने लगते हैं और राजा सिपाहियों से श्रेक को पकड़ने को कहता है, पर श्रेक उल्टा सिपाहियों को बुरी तरह पिटता है। ये देखकर राजा प्रभावित होता है और जबरदस्ती घोषणा करता है कि राजकुमारी को बचाने का सुनहरा मौका इस हरे दानव को दिया जा रहा है। फिर श्रेक राजा के साथ एक सौदा करता है, अगर वो राजकुमारी को वापस लाता है तो राजा को उसे और फेरीटेल के लोगों का घर लौटाना होगा। राजा मान जाता है। फिर श्रेक और गधा राजकुमारी को बचाने के लिए सफर पर निकल पड़ते हैं।